नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओडी पाठशाला। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है। जनरली मैं देखा हूँ, जब भी बच्चे एग्जाम देने आते हैं तो उनको उनके मम्मी पापा दादा नानी ये लोग एग्जाम दिलाने आते हैं। इन भाई साहब को एग्जाम दिलाने आए हैं इनके मित्रगण, और इन लोगों ने जबरदस्ती ढकेला कि नहीं जाओ पहले बताओ एग्जाम कैसा हुआ यूट्यूब पे, तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैसा गया एग्जाम, दोनों लोग बताओ। पेपर अच्छा नहीं, वहाँ तक आवाज जानी चाहिए क्या है दोस्त? किस सब्जेक्ट का था? जनरल टेस्ट का था। बेसिकली देखो, जनरल टेस्ट जो है ना वो कॉमन है, बी एल एल बी में है, बी कॉम में है, बी ए के बच्चों के लिए, कई सारे यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट एडमिशन हो जाएगा। तो जनरल टेस्ट जो अच्छे और देने आने वाले हैं उनके लिए क्या सजेशन है, क्या ऐसा कॉपी पेस्ट है जो उनको प्रिपेयर कर ले तो वो अच्छा करता है? नहीं, ऐसा कॉपी पेस्ट में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तब पेपर अच्छा होगा। अच्छा, लैंग्वेज के बाद अपन मुझे जी टी में डीप बताओ, मतलब जी टी में बेसिकली बताओ क्या। देखिए, अगर अभी हम लोग जो पेपर देखे हैं उसमें हम लोग का देखा जाए तो कोडिंग होता है, जो अल्फाबेट का होता है, कोडिंग डी कोडिंग चैप्टर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन चलता है। अच्छा, उसका कोई क्वेश्चन है जिसका बहुत ज्यादा इसीलिए वो बहुत ज्यादा पूछता है स्टेटमेंट्स वाले। अच्छा, करंट अफेयर्स का क्या लेवल? अच्छा, ये मोदी जी पूछा क्या? लेकिन आगे पूछेगा, आगे पूछेगा, मतलब अवेयर रहना है, ऐसा नहीं सरकार तो मोदी जी के मगर सवाल उठा। अच्छा, अच्छा बेसिकली क्या लगता है योगी जी के क्वेश्चन थे, मतलब पॉलिटिक्स रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं भाई? लोग पढ़ के क्या है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या पढ़ के आए? बनारस की पहले से प्लान में हो गया, वो दोस्त वगैरह इलाहाबाद मंगा बुला रहे हैं क्या? इधर आ जाओ तुम, अरे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, एक दो और लोग से लेते हैं भाई। एग्जाम था क्या अच्छा गया कि नहीं? खुश हो? ये बंदा स्विमिंग करके आ रहा है। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। कैसा गया एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? कैसा गया दोस्त? बढ़िया, एकदम। पेपर में फोटो आएगा हमारा। ये आइडिया अच्छा है शूटिंग का, अपने से ही रिव्यू देते चले जाओ। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम कैसा गया? अच्छा, कैसा गया दोस्त? बढ़िया, एक नंबर।
कैसा क्या एग्जाम आप लोग का? अच्छा था, क्वेश्चन याद है एक भी? अच्छा खुद का था, वो तो भाग गई। चलो ठीक है। कैसा गया एग्जाम आप लोग का? बढ़िया था, पेपर अच्छा आया था? बढ़िया था, एकदम बढ़िया। अरे सिलेक्शन हो जाएगा। सो बच्चों के फेस पे स्माइल देखने को तो मिल रहा है, दे आर हैप्पी। हाँ बस बात हो गया उन लोगों से, जाने वाले से। हाँ हाँ हो गया। कैसा क्या दोस्त? बस चला गया। अच्छा कभी कभी किसी किसी का रिस्पॉन्स रियल वाला मिल जाता है, एक्चुअली वो रियल बोल रहा है। अच्छा रुको, इन दोनों को और पकड़ते हैं हम लोग, देखते हैं कौन क्या बोल। कैसा गया दोस्त? बढ़िया गया एकदम, ज्यादा आसान आ गया क्या? सबका अच्छा ही जा रहा है। अच्छा के बच्चे अब थोड़ा सा एज में। कैसा क्या दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान आ गया है क्या? दो पार्ट में रखा, तीन, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग। ये थर्ड के गए हैं, सेकंड के बाहर। देखते हैं एक दो लोगों से और हम लोग रिव्यू लेते हैं कैसा गया एग्जाम। ठीक है, कैसा गया आपका एग्जाम? मतलब कुल मिला के पेपर अनएक्सपेक्टेड है तो रिस्पॉन्स भी अनएक्सपेक्टेड ही है। थोड़ा हार्ड था, एक भी क्वेश्चन याद है? एक भी क्वेश्चन याद है? ऑप्शन में मेरा था जनरल टेस्ट, लेकिन मैंने दिया नहीं वो, और इंग्लिश के पैसेजेस थे। जनरल टेस्ट नहीं दिया क्यों? मेरे को देना ही नहीं, बस ऑप्शन ले लिया था। अच्छा अच्छा, तो बस बैठे रहे एग्जाम में, अब जो आया मन टिक करके चले गए। इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश ठीक था, मैं ग्रामर से ज्यादा रिलेटेड, कंफ्यूजिंग था। और पैसेज भी तो था, वहाँ पैसेज था वो तो ठीक था, लेकिन ग्रामर कंफ्यूजिंग था, ऐसा मैं कहता था तीनों ऑप्शन थे। अच्छा, जनरली इनका एक अलग आंसर निकल के आ रहा है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बनाया था। ओके ऑल द बेस्ट। तो मुझे लग रहा है ये पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, हम लोग बहुत सारे बच्चों के रिव्यू ले चुके हैं और होपफुली ये रिव्यू आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल अपडेट्स मिलेंगे। अभी हम जो जिस कॉलेज में आए हुए हैं नॉन रिपोर्टिंग के लिए, ये है वाराणसी का सेंटर DAV। ठीक है, ये BHU का ही एफिलेटेड कॉलेज है जहाँ पे इसके सेंटर्स बनाए गए हैं बेसिकली। अभी 9-10 दिनों में बहुत सारे बच्चों का यहाँ सेंटर 100% ही आएगा, तो आप लोगों को रूट में बता देता हूँ। सबसे पहले ये बहुत ही बिजी रूट है, बहुत ट्रैफिक वाला एरिया है, आधे घंटे पहले से ही प्लानिंग करके निकले आप। ठीक है, और मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी बच्चे एग्जाम देके दे ही चुके हैं। एक दो बच्चियाँ और आ रही हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और दो बच्चियाँ आ रही हैं। एक दो लोग शायद अभी आपको कुछ और बात, मैं चाह रहा हूँ ना कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएं लोग। जनरली मैं देखता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों क्वेश्चन भूल जाते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन याद है तो। ठीक है, आप क्वेश्चन याद करके बताइएगा। आपका अभी एग्जाम था? अच्छा, आपने भाई को छोड़ दिया। ओके, अभी फोटो शूट चल रहा है, उसके बाद हम। दोस्त आपका भी एग्जाम है?
आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोग का एग्जाम कैसा गया और कितने क्वेश्चंस आपको बेसिकली याद है, आप ही पता करके बताइए। अरे एक 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 जत्था आ रहा है, उस जत्थे से कुछ निकल के मिलेगा। इंग्लिश का था काफी इजी था, पैसेज वैसेज आया था। और जीटी का? जीटी में उन्होंने नॉर्मली मतलब मैथ्स का आया था ज्यादातर, और रीजनिंग का था कुछ कुछ, करंट अफेयर था। एक भी करंट अफेयर याद है दोस्त? करंट अफेयर उतना याद नहीं है, ज्यादा कुछ खास। उसका सूट करो तो वो लग रहा है बहुत अच्छा गया उसका। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अभी भी हंस रहा है वो यार, क्या। ठीक है, तो ये ग्राउंड आप ओवरऑल पूरा खाली थी, आप मुझे लग रहा है कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ आपका एग्जाम कैसा गया, आप कमेंट करके बताओ आपको कितने क्वेश्चंस याद है, और फिर हम लोग पता करते हैं कि इस बार का जो एक्चुअली एनटीए का लेबल है सीयूटी के लिए, वो हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। मैं एक पोल यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, आप उसमें ठीक करके बताओ कि आज का जो पेपर है पहला दिन सीयूटी का, वो इजी है, मॉडरेट है या हार्ड। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा ऑफिशियल अपडेट्स, एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। ठीक है, मुस्कुराते रहे, हर महादेव।